और दोस्तों कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सुपर ओवर के मुकाबले पर। टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये सुपर ओवर का मुकाबला है। गिल यहाँ पर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर रोहित शर्मा, शाहिन अफरीदी पहली गेंद लेकर आ चुके हैं, देखना होगा। बढ़िया शुरुआत है, फील्डर के हाथ जाएगी, सिंगल के साथ स्ट्राइक को करेंगे रोटेट। And with that, they're off the mark. रोहित शर्मा यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं, देखना होगा किस प्रकार से इस गेंद को पहुंचाते हैं दर्शकों के बीच। बढ़िया शॉट, बिल्कुल अच्छी टाइमिंग के साथ इस बार तो सच में ही पहुंचा दिए दर्शकों के बीच। दोस्तों अगर पहली बार आए हो इस चैनल पर तो बहुत बहुत स्वागत है, जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कहां से देख रहे हो इस वीडियो को जरूर से बताना कमेंट पर। दूसरी गेंद यहां पर 6 रन के साथ, ये वाला शॉट भी बहुत ही बढ़िया, फ्लैट बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, बहुत तेजी से यहां पर गेंदबाजी हो रही है, उतनी ही तेजी से यहां पर बल्लेबाजी भी देखने मिल रहा है हमें। दो लगातार गेंदों पर 6 रन। ये सीधा पैर पे था बॉल और इस गेंद को खेल दिए है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, चौका तो नहीं जाएगा, शायद से 3 रन लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल यहाँ पर 3 रन लेने में सफलता मिल चुकी है। शुभमन गिल यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोस्तों, आखिरी के 2 गेंद बाकी है। ये वाला शॉट तो और क्लासिक है यार, मजा ही आ गया। देखना होगा टीम पाकिस्तान किस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी करेगी। आज तो सब बॉल कनेक्ट हो रहा है मिडल ऑफ द बैट। आखिरी गेंद भी बिल्कुल फेवरेट जोन पे था, लेग साइड में खेल दिए भाई, ये तो इस बार बहुत ही बड़ा टारगेट है यारो। अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली हमें, देखना होगा अभी पाकिस्तान के बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे एंड गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है। जहां तक लग रहा है कि मोहम्मद शमी बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले, बल्लेबाजी में आ चुके हैं फकर जमान और इमाम है नॉन स्ट्राइक पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते दोस्तों, जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुरुआत हुआ है बहुत ही हवेदार और ये शायद 4 रन के लिए, ये है ना मुकाबला बिल्कुल बराबरी का। या दोस्तों 5 गेंदों पर 25 रन बनाने हैं, खेले हैं पीछे फील्डर और बहुत ही बढ़िया कैच, लगा नहीं था कि ये कैच होगा, लेकिन दूसरी गेंद पर फकर जमान को यहां पर आउट करते हुए मोहम्मद शमी। जैसे फील्डिंग सजाए थे उस प्रकार से यहां पर बॉलिंग हुई और स्विंग भी था थोड़ा सा बुमराह जी ने यहाँ पर पकड़ा, क्या बात है। आप सभी के फेवरेट यहाँ पर आ चुके हैं बाबर आजम, देखते बाबर आजम कितना हवाई फायर करते हैं। पहली गेंद कवर्स पे कोहली के हाथ, टाइम ले रहे इमाम है वैसे तो, इमाम उल हक है। ओके मुझे लगा बाबर आजम, क्या मिलेगा बाबर आजम को स्ट्राइक। ये हवाई फायर बिल्कुल 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं फील्डर को पकड़ने के लिए इस गेंद को। 2 गेंदों पर 21 तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर एक विकेट के वजह से क्या ही आउट है, काफी अच्छी स्विंग थी। दोस्तों एक बार रिव्यू लेके ही देखते, लगता तो है आउट नहीं है, फिर भी देखते क्या ज्यादा ही स्विंग हुआ है क्या। इमाम यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, हेड अंपायर चेक करते हुए क्या ये गेंद अंदर की तरफ आई है,
नहीं यार, बहुत ज्यादा ही बाहर था। How close is that? Could be the wicket. Nothing picked up from the bat. This could spell trouble. That'll go. चलो गाइस, हो गया है जीजी। It will remain not out. Well, the margin in this game can be so so fine. Going on to ये तो रिव्यू लेने की कोई बात ही नहीं थी। It wasn't a great decision to start with. Not surprised to see the decision stand. और इस आखिरी गेंद को अपने अंदाज से इस गेंद को भेज दिए सीधा दर्शकों के बीच, लेकिन वन माउंट्स तरीके से। और इसी के साथ लाजवाब जीत हुआ है टीम इंडिया का। दोस्तों आईपीएल भी आ रहा है, आईपीएल के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे रेगुलरली, तो देखने के लिए शुक्रिया। दोबारा याद दिला रहा हूँ, अगर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कैच बढ़िया था। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।